हे गाइस, कैसे हैं आप? वेल, मुझे पता है आप ठीक होने चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर फ्री कॉलिंग चाहते हैं आप जियो में फ्री कॉलिंग, तो आपके लिए 99 रुपीज़ वाला रिचार्ज ज़रूरी है या नहीं, 303 रुपये वाला रिचार्ज कराना ज़रूरी है या नहीं। वैसे जब इस क्वेश्चन का आप आंसर सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। इस वीडियो को मैं स्पेशली एक आपके जैसे ही मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मेरे से कमेंट करके पूछा था, तो इसलिए मैं इस वीडियो टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइज, इन सब के लिए मैंने डायल किया 198, कस्टमर केयर का नंबर है ये, जियो से डायल किया और फिर मैंने कस्टमर केयर से पूछा। तो कस्टमर केयर के बताने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि जो आप 99 रुपीज़ पे कर रहे हैं वो वन टाइम मेंबरशिप फीस है, उसमें और कुछ नहीं मिलेगा आपको। बस एक मेंबरशिप दी जा रही है जिसमें आप जियो के सारे प्रीमियम ऐप्स जैसे जियो टीवी, जियो मैगजीन वगैरह वगैरह जो ऐप्स हैं उनको फ्री में यूज़ कर सकते हैं एक साल तक, और साथ ही साथ अगर आप रिचार्ज करवाएंगे तो उसमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, और ये 12 महीने के लिए। कुल मिला के 99 रुपये आपने 12 महीने के लिए पे कर दिए और आप इसे भूल सकते हैं, ये और किसी भी काम नहीं आने वाला है। बस आप इसको प्रीमियम ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं फ्री में एक साल के लिए। ना आपको इसमें कोई फ्री कॉल देगा और ना ही कोई फ्री मैसेज, ना कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। ओके, अब आते हैं रिचार्ज की तरफ। तो 303 रुपये वाला जो रिचार्ज है उसमें आप देख सकते हैं कि प्राइम मेंबर्स के लिए जो है कॉलिंग तो सबके लिए अनलिमिटेड है, देख सकते हैं। नॉन प्राइम और प्राइम सबके लिए अनलिमिटेड कॉलिंग है, अनलिमिटेड है ना। और जो डाटा है उसमें फ़र्क है, मतलब इंटरनेट यूजर्स में फ़र्क है। प्राइम मेंबर्स को ज़्यादा मिल रहा है बल्कि नॉन प्राइम मेंबर्स को कम मिल रहा है। और इसकी वैलिडिटी 28 डेज़ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बगल में 149 रुपीज़ वाला रिचार्ज प्लान है, और इसमें आप देखिए इसमें भी सिमिलर प्लान है। मतलब अगर आप कॉलिंग चाहते हैं तो आपको 99 रुपये वाला रिचार्ज नहीं करना। अगर आप सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे थे अब तक जियो को, और आप नॉर्मल यूज़ करते हैं अगर आप डाटा का, मतलब सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, तो आपके लिए 1 GB मेरे ख्याल से इनफ होगा, और आप जानते होंगे कि आपके लिए कितना इनफ होगा। मेरे ख्याल से व्हाट्सएप के लिए 1 GB इज़ इनफ। सो गाइज, वैलिडिटी आपको बराबर ही मिल रही है 28 डेज़ की, 303 रुपये वाले रिचार्ज में भी और 149 रुपीज़ वाले में भी, और कॉलिंग दोनों में ही अनलिमिटेड है। तो आप खुद सोचिए कि आपको कौन सा लेना है। और नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए भी यही बेनिफिट है, नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए भी, मतलब अगर आप 99 रुपये नहीं भी देते हैं तो भी आपको कॉलिंग अनलिमिटेड मिलने वाली है। गाइज, मेरे ख्याल से अब आप वीडियो समझ गए होंगे, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, थैंक्स। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, नीचे रेड कलर वाला बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, और एंड में ही कुछ वीडियोज़ आ रही होंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।